नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आज आपके लिए इस क्लास में ज्योमेट्री का स्टार्ट करूंगा, जो कि आपका एक अधूरा सा पार्ट रह गया था। देखा जाए तो अर्थमेटिक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, और एडवांस पार्ट में अगर देखा जाए तो हमने नंबर सिस्टम की सारी थ्योरी को कवर करना। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप खासकर लोअर मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत ही रेयर पूछेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम एक स्टेप दे के चले आए हैं। हमारे लिए कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं छूटना चाहिए जो हमारे लिए पछताने का कारण है। हमारे लिए कोई भी ऐसी ईंट नहीं रहनी चाहिए जिसे हम बिना पलटे छोड़ दें। तो हम इस मानसिकता के साथ एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पे आज पढ़ेंगे, और हम ज्योमेट्री में अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा करेंगे। मेनली अगर आपके सिलेबस में देखा जाए तो 2D और 3D से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। 2D मतलब टू डायमेंशनल फिगर, और 3 डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर में जैसे बोला जाए कि आपका क्षेत्रमिति जो ज़्यादा होता है, एरिया जो होता है, वो आपसे पूछता है 2D में। और 3D में जब आपके आयतन की बात आ जाती है तो वहां पे आपका 3D यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर बोला जाता है, और उससे रिलेटेड चीजें जो होती हैं वो 3D के अंतर्गत आती हैं। लेकिन 2D 3D के कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाने के लिए हम कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं, तो ज्योमेट्री का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। तो आओ उसे देखते हैं। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति बेसिकली हम लोग आज पढ़ेंगे। और ज्योमेट्री में सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी देखो आपके मैथ्स का पोर्शन मैं बोलूं, यहाँ पे लोअर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैथ्स के पोर्शन की बात करूँ तो मैथ्स में हम लोगों ने अरिथमेटिक बहुत अच्छे से कवर किया, लगभग सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर लिए। कुछ मिसलेनियस चैप्टर जो होते हैं, जैसे एलिगेशन हुआ, मिक्सर हुआ, तो उस चैप्टर को काउंट नहीं करते, वो तो हर क्वेश्चन में लग जाता है। और लगभग हर चैप्टर में बीच बीच में मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे कहाँ पर एलिगेशन लगेगा, कहाँ पर रिवर्स एलिगेशन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बीच बीच के क्वेश्चन में बताता चला हूँ। तो अरिथमेटिक आपके एक्चुअली में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। एडवांस पार्ट में देखा जाए तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपका नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम हम लोग बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अभी दूसरी सेगमेंट में हम लोग इसके जो एडवांस पार्ट है उसमें ज्योमेट्री देखेंगे। ज्योमेट्री में बेसिकली मैं आपको बता दूं क्या पढ़ेंगे हम लोग। पहली बात तो सारी चीज़ों की थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो सेंटर्ड होगा हमारा वो ट्रायंगल होगा और सर्कल होगा, यानी कि आपका जो सर्कल त्रिभुज है और आपका जो वृत्त है। उसके बाद हमारा जो होगा चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, और इन्हीं तीन की प्रॉपर्टी मेनली हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल में जैसे त्रिभुज में बोला जाए तो त्रिभुज के केंद्र होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। वृत्त होता है तो वृत्त का जो है वहाँ पे कि जो सर्कल टच कर रहे हैं, वृत्त टच कर रहे हैं या उसका टेंजेंट होता है, इन सब चीज़ों से जो काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कॉन्सेप्ट बन सकता है उसे हम अच्छे से कवर करेंगे। और क्वाड्रिलेटरल में आपका आयत हुआ, आपका वर्ग हुआ, आपका रॉम्बस हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, तो हम इन सब चीज़ों को, ट्रेपेजियम वगैरह हुआ, इन सब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हमारा ज्योमेट्री का कंसर्न रहेगा। ज्योमेट्री के बाद हम लोग 2D में आ जाएंगे, जिसे क्षेत्रमिति बोलेंगे, है ना, मेंसुरेशन बोलेंगे। और 2D में हम इन्हीं फिगर का, जैसे सॉरी ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल यानी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल देखेंगे, और तमाम तरह के जो त्रिभुज बन सकते हैं, तमाम तरीके से जिससे प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी तरीकों से हम यहाँ पे उसके क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। सेम चीज़ हम सर्कल का करेंगे, वृत्त का करेंगे, और सेम चीज़ हम विभिन्न क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का करेंगे। इसके बाद इन सभी का मिक्स क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई आपका वर्ग है, वर्ग के अंदर में दो आपके अर्धवृत्त ऐसे हैं, तो जो बचा हुआ एरिया होता है उससे पूछता है। तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग 2D में ही कवर करेंगे। 3D की बात करें अगर, तो 3D में हम लोग बेसिकली जो कवर करेंगे वो वॉल्यूम पार्ट कवर करेंगे। और वॉल्यूम किसका, जो विभिन्न आपके फिगर होते हैं, जैसे आपका स्फेयर हुआ, गोला हुआ, या आपका क्यूब हुआ, घन घनाभ हुआ आपका, और या फिर हमारा प्रिज्म हुआ, पिरामिड हुआ, इन सब चीज़ों को, बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट फिगर है, फ्रस्टम है, कोना फ्रस्टम है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से 3D वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये पोर्शन आपका एडवांस में यहाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके कुछ पोर्शन बचेंगे, मैं फिर से बता दूँ, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग अच्छे से देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो हमारा होगा फोकस होगा एलजेब्रा। एलजेब्रा में बेसिकली मैं बता दूं एलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका लोअर में ना और यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी परीक्षा में
नहीं पूछा जाता है आपका आइडेंटिटी, पूछा क्या जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका मेन जो चंक होगा वो हम लोग एलजेब्रा में यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। इतना पढ़ने के बाद आपका मैथ का सिलेबस कम्प्लीटली हो जाएगा। कुछ छोटे मोटे चैप्टर जहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए, एक हमारा जो है वो क्या है स्टेटिस्टिक है और एक हमारा क्या है बेसिकली आपका स्टेटिस्टिक है जहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है। बाकी मैथ में आपके कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन होते हैं तो वो रीजनिंग में आपका कवर हो गया। तो इतना कवर करने के बाद हम लोग का मैथ का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, अर्थमेटिक खत्म हो गया और आज से हम लोग ज्योमेट्री यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं और देखते हैं ज्योमेट्री है क्या, आखिर ज्यामिति होता क्या है। ज्योमेट्री मतलब कि आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें दिखती हैं, जितनी चीज़ें दिखती हैं जिसे आप इमेजिन कर सकते हो, जो आपकी कल्पना में बसी है वो सारी चीज़ क्या होती है, ज्यामिति होती है। और कहा भी जाते हैं कि अगर आपको ज्योमेट्री आपका चैप्टर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग रहे तो ये मान के चलिए कि आपकी इमेजिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपके सोचने का जो तरीका है, आपकी जो सोचने का नज़रिया है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा उतनी ही अच्छी आपकी ज्योमेट्री होगी, उतना ही अच्छा आपका मेंसुरेशन होगा, वो चाहे 2D हो वो चाहे 3D हो। तो हमारे इमेजिनेशन को बढ़ाने की थोड़ा सा ज़रूरत है और वो मैं आपको एकदम यहाँ पे ग्राफिकली बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूंगा कि किसी चीज़ों को कैसे सोचना है, कैसे समझना है, सब कुछ बहुत विधिवत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं और ज्योमेट्री की अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत होती है बिंदु से। बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है, सबसे पहला अगर मैं पॉइंट बोलूं तो यही क्या है, पॉइंट यानी कि जिसे बोलेंगे बिंदु। और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे बच्चों को जो आपके लोअर मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बिंदु को डिफाइन करना जरूरी है, लेकिन आजकल जो आयोग है विभिन्न तरीके से हम देखा जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आजकल बहुत ज़्यादा पेपर हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बैंक हो रहे हैं, तो चीज़ों को क्वेश्चन नए फ्रेम करने पे आयोग लगा हुआ है या जिनको भी टेंडर मिल रहा है वो नए क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अब जो आपका ट्रेंड मूव कर रहा है, अब जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो बन रहा है, आप कोई भी पेपर देख लो, छोटे स्तर से बड़े स्तर का देख लो, आप अभी देखो ये UPP जेल वाडा फायरमैन में, उसमें भी एक दो क्वेश्चन देखो तो ऐसा लगता है यार ये किसी बहुत ही बड़े पेपर का, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, कई बार एक दो क्वेश्चन देखने को ऐसे मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब जब आपका इतना पेपर हो रहा है, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इतने रिसोर्सेस अवेलेबल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चीज़ें भी नहीं आएंगी, चीज़ें कहाँ से फिर नहीं आएंगी, वो आपके थ्योरी पार्ट पर जाएंगी। तो अब आपका क्या करते हैं, उनके पूछने का पैटर्न थोड़ा बदल रहा है, वो क्या करते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ देते हैं, वो क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है या कौन सा असत्य है, और चार आपको ABCD ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोल देंगे एक आपके बिंदु की परिभाषा कुछ दे रही होगी, एक आपके रेखा की परिभाषा देख रही होगी, एक आपके प्लेन की परिभाषा दे रही होगी, और उसी में से कहीं से छोटा सा पॉइंट आपका मिस हो जाएगा जो आप शायद थ्योरी ना पढ़े हो तो आपको गलत हो जाएगा। तो हमें उस नज़रिए से भी देखना है, एक समय होता था जब केवल क्वेश्चन पूछता था, पर्टिकुलर हमें पता होता था कि यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, हम फॉर्मूला वेस्ट करके जाते थे, हम शॉर्ट ट्रिक पे जाते थे, हमारा हो जाता था। आज आप कोई भी पेपर उठा लो तो उसमें से देखोगे 20-30% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, 20-30% आपका क्या हो रहा है, थियरी पकड़ रहा है, और थियरी हमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। तो पॉइंट की अगर हम डेफिनेशन करें तो बेसिकली पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जो किसी भी दिशा में अनंत तरीके से बढ़ सकता है। बस इसकी डेफिनेशन यही है कि किसी भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइट वे में बढ़ सकता है, बस इतना सा वो है बिंदु। और अगर हम दो बिंदु को कहीं भी किसी भी पूरे प्लेन में, प्लेन की बात अगर मैं कहूँ तो हमारा टाइम और स्पेस में, अभी यहाँ पर छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूँ तो हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, वो आप अगर थोड़ी सी भी ज्योग्राफी कभी पढ़े होगे या थोड़ा सा भी एस्ट्रोनॉमी कहीं से रिलेट किए होगे या सुने भी होगे, तो जब भी बिग बैंग हुआ तो दो चीज़ों में साइंटिस्ट लोग जो ज्योग्राफी से डिवाइड किए, एक क्या, एक टाइम और दूसरा क्या स्पेस। अभी ये पूरी जो ज्योमेट्री है ना, ये इसी स्पेस का गेम है, ये पूरा स्पेस है। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग अपने आप को जहाँ पे महसूस कर रहे हैं, कुछ छू रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो सब कुछ स्पेस में है। स्पेस मतलब हमारा पूरा ब्रह्मांड, स्पेस मतलब अभी आप इस कमरे को पूरा ब्रह्मांड मानो तो जितना ये पूरा आयतन घेर है ना, ये पूरा क्या कहलाएगा, स्पेस कहलाएगा। तो इसी स्पेस में कोई दो बिंदु मौजूद है और उस दो बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो रेखाखंड कहलाएगा, रेखा नहीं कहलाएगा। अभी समझना, हम डेफिनेशन पॉइंट की कर रहे हैं लेकिन पॉइंट से मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेखा क्या है या रेखाखंड क्या है। तो अभी दो पॉइंट है, मान लो बिंदु है A और B है, उन्हें मैं मिला दिया
तो ये एक रेखाखंड कहलाएंगे। और अगर इसी रेखाखंड को मैं अनंत इधर लेके चला जाऊं और अनंत इधर लेके चला जाऊं इसी रेखाखंड को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेखा कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें क्लियर हुई, क्या दूसरी क्या, रेखा यानी कि लाइन क्या होती है। तो लाइन की अगर डिफिनेशन आपसे कोई पूछे, रेखा की डिफिनेशन आपसे कोई पूछे, तो आप बोल सकते हो पूरे स्पेस में, है ना, पूरे स्पेस में किन्हीं भी दो दिशाओं में अनंत दूरी तक चलने वाली जो डिस्टेंस है उसे क्या कहलाएंगे, रेखा कहेंगे। या अभी हम दूसरे चीज़ों से देखें कि एक रेखा जो है वो अनंत अनंत बिंदुओं को एक रेखा में मिला दी जाए तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। और ये दोनों बिंदु और रेखा के डिफिनेशन अगर हम करें, डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों से रिलेटेड है। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा हम वेट नहीं देंगे कि एग्जैक्टली ये क्या इसे डिफाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा इस पर लोड नहीं देना है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे कि एक रेखा पे तो उस पे असंख्य या अनंत बिंदु उस पे लाई करते हैं, इस बात को आपको दिमाग पे रखना है। अगर मैं किसी रेखा को, ध्यान देना, रेखा के दोनों तरफ आपको एरो लगाना पड़ेगा, किसी रेखा के एक छोटे से बीच में किसी दो पॉइंट के बीच को ले लूंगा तो हमारा रेखाखंड कहलाएगा या क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये तीन पॉइंट जो हमारे पॉइंट हैं, लाइन है और लाइन सेगमेंट है, यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। अब हमारे समझने का तरीका समझिएगा, हम इस चीज को कैसे और एलोबरेट करते हैं। अगर हम बोले कि लाइन हमें क्या बिंदुओं को मिलाने से मिले, नहीं, अभी मैंने बात किया क्या, स्पेस, और स्पेस में क्या है, प्लेन। जैसे अभी आप पूरे स्पेस को डिवाइड करो तो इसे आप असंख्य प्लेन में डिवाइड कर सकते हो, असंख्य प्लेन में डिवाइड करो। तो प्लेन क्या है, मैं आपको अभी समझाऊं कि ये आपको एक पेपर दिख रहा है, ये पेपर में कुछ आपकी लंबाई है, कुछ आपकी चौड़ाई है। तो किसी भी फिगर में एक लंबाई है और एक चौड़ाई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। ऐसे समझिए, ये आपका पूरा स्पेस है, ये आपका पूरा ब्रह्मांड, इस बोर्ड को आप ब्रह्मांड समझो, और उसमें मैं कोई ऐसा स्पेस ले लेता हूँ जिसकी अपनी कुछ लंबाई है और कुछ अपनी क्या है, कुछ अपनी चौड़ाई है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है, तो ये जो पूरा प्लेन है, ये मतलब पूरा फिगर है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे पूरा प्लेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्लेन कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक, ये आपका प्लेन कहा जाएगा। अभी समझते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेन में हमारे पास दो डायमेंशन होंगे, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, क्या, एक या तो आपकी ऊंचाई होगी या और आपकी लंबाई होगी। इसमें कोई आपकी थिकनेस नहीं होगी, कोई मोटाई नहीं होगी। मोटाई अगर हो जाएगी तो वो प्लेन नहीं रह जाएगा, फिर वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तीन डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप महसूस कर सकते हो। प्लेन को आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, हम एक प्लेन पे खड़े हैं, हम एक सतह, प्लेन मतलब आप सतह समझ सकते हो, उस पे खड़े हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं कर सकते, उसे छू नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही आपका एक प्लेन है, आप ऐसे समझिएगा, ऐसे आपका एक प्लेन है ये, और दूसरा प्लेन आपका समझ लीजिए कि ऐसा है। और अगर दो प्लेन, एक प्लेन आपका दूसरे प्लेन को कट कर दे, एक प्लेन आपका दूसरे प्लेन को कट कर दे, तो आप बोलोगे कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारा क्या देगा, वो भी हमारा लाइन देगा। इस बात को समझिएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो प्लेन है, दो प्लेन आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो वो जहां जाके लड़ेंगे वो हमारा क्या देगा, वो हमारा लाइन देगा। बात समझ आ रही। अब प्लेन भी अनंत अनंत वे में बढ़ सकती है, ये प्लेन भी अनंत, उधर भी अनंत तरीके से जा सकती है, इधर भी अनंत तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो बस ऐसे ही जब ये भी अनंत तरीके से इधर भी बढ़ सकता है, ये भी अनंत तरीके से इधर बढ़ सकता है, तो लाइन भी हमारी अनंत तरीके से दोनों तरफ बढ़ सकती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलो, तो यहां से आपको एक पॉइंट और क्लियर हो गया, वो क्या क्लियर हो गया, वो आपको प्लेन क्लियर हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई कि बिंदु क्या है, लाइन क्या है, रेखा क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, आपका प्लेन क्या है, तो यहां से चीजें अब हमारी ज्यादा अच्छे शुरू होती हैं। जब हम दो लाइन को मिला दें, एक आपका, अभी जितने भी हम चीज़ लेके चलेंगे ना, जितने लेके चलेंगे वो सब लाइन सेगमेंट में लेके चलेंगे, लेकिन अभी आप उसे भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन समझिएगा। दो लाइन को मिला दें, सपोज करो एक लाइन आपकी इधर जा रही थी,
एक लाइन आपकी इधर जा रही थी, और ये दोनों आपस में कहीं जाके टकराएंगे। एक पूरा ये प्लेन ही है, एक ही प्लेन में एक लाइन इधर को जा रही है, एक लाइन इधर को जा रही है, तो एक बिंदु पे कहीं टकराएंगे और उस बिंदु को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ये जो है आपका वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपके पास कुछ नया मिला, वो क्या मिला, कोण मिला, एंगल मिला। तो ये जो आपके दो, अब यहां से अब इस बिंदु से इधर देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका रे कहलाएगा, किरण कहलाएगा। तो यहां पे एक चीज और समझो कि एक बिंदु से किसी बिंदु से किसी एक ही दिशा में चलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम यहां पे किरण कहते हैं, रे कहते हैं। तो इस पॉइंट से इधर को जाने वाली एक रे है, इसे हम ए डिनोट कर देते हैं। इसी पॉइंट से इधर को जाने वाली दूसरी किरण है, उसे हम बी कह देते हैं। और दो किरण के बीच में जो हमारे क्या मिल रहे हैं, कोण मिल रहा है, एंगल मिल रहा है, वो हम ये नापेंगे एंगुलर दूरी। एंगल होता है कि एक्चुअली अगर एंगल की डिफिनेशन बात करें, कोण की डिफिनेशन बात करें, तो ऐसे समझो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाया, कोण कहलाया। लेकिन वो डिस्टेंस है क्या, उस चीज को हम समझने के लिए अच्छे समझते हैं कि सपोज करो कि ये आपकी एक रेखा है या लाइन सेगमेंट है या किरण है, जो भी आप समझ लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी मैं इसी को कॉपी करूं, इसी को कॉपी करूं और उस चीज को फिर मैं यहां से घुमाना शुरू कर दूं, इसी का दूसरा हैंड में घुमाना शुरू कर दूं, जितना दूरी जाएगा। जैसे सपोज करो कि ये पहले पहले सीन में इतना मूव किया, फिर दूसरे सीन में कितना मूव किया, इतना मूव किया, तीसरे सीन में आपका मान के चलो कि इतना मूवमेंट हुआ, और इसके बाद मान के चलो कि इसमें इतना मूवमेंट हुआ। तो आप देख पा रहे हो कि मैं इसी को कॉपी किया और इसे मैं मूव करना शुरू कर दिया। तो इस बिंदु के सहारे, जो ये बिंदु है आपका, इस बिंदु के सहारे जो ये पूरा मूवमेंट हो रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये कौन से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो कोण आपका कुछ और नहीं, कोण आपका कुछ नहीं, आपके एंगुलर डिस्टेंस का मेजरमेंट देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो दो चीज़ें, जब यहाँ पे हमारी दो लाइनें टकराई आपस में, तो हमें क्या मिला, कोण मिला। और अब हम ज्योमेट्री को अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से अब हेडिंग डाल लेंगे एंगल, और अब अच्छे से क्या पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो हमने देखा कि हमने जब दो लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन ही बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, जब हमने उससे उठा के कुछ उसकी डिस्टेंस बढ़ा दी, तो एक हमें कुछ कोण मिला, मैं इसे थीटा मान लूँ, थीटा मान लूँ, है ना, ये हमें कुछ डिस्टेंस मिली, कुछ कोण मिला, इसे मैंने थीटा मान लिया। अगर ये थीटा 90 से कम है, ये थीटा अगर जो है वो 90 से कम है, कितना, 90 डिग्री, और ये डिग्री जो हमारा एंगुलर डिस्टेंस होता है वो डिग्री में मेजर होता है, तो इसलिए हम 90 के ऊपर छोटा सा डिग्री लगाते हैं, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, समझते हुए चलिएगा, इसे न्यून कोण बोलेंगे। अगर यही दूरी इतना नाप दे कि ये इसके ठीक सिधाई में आ जाए, किसके, इस लाइन के, ये वाली लाइन ठीक सिधाई में आ जाए, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यानी इस समय जो थीटा हुआ वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम राइट एंगल बोलेंगे, यानी सही कोण या सम कोण। बात समझ में आ गया, तो इसे हम राइट एंगल बोलेंगे, और हिंदी में इसे बोलेंगे सम कोण, ठीक। अभी अगर हम इसे और बढ़ाते जाएं, इसे अभी मैं, मेरा मन मान नहीं रहा है, मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पे आया, मैं और बढ़ा दूँ, मैं अगर और बढ़ा दूंगा तो हमारे पास फिगर कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी जो आपका थीटा होगा वो आप देख पा रहे होगे कि 90 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहीं पे होता तो 90 होगा, 90 से भी ज़्यादा हो गया। तो अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। समझ में आ रही बात है वो। अभी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है, क्योंकि कई बार इसका सिंपल सी थ्योरी पूछ
लेता है तो बच्चे कन्फ्यूज होकर गलत कर देते हैं, दिखने में छोटी सी बात लगती है लेकिन सब कुछ बहुत संयम के साथ पढ़ते रहना चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, इसे अधिक कोण बोलेंगे। अधिक किससे, 90 से। सब कुछ 90 डिग्री के रेफरेंस में चल रहा है। कोई मुझे यहाँ पे बताएगा कि आखिर हम 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में ही क्यों मेजर करते हैं, क्यों आखिर मैं यहाँ पे 60 डिग्री के उस रेस्पेक्ट में क्यों नहीं मेजर किया, मैं 50 डिग्री के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं मेजर किया। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है और ये प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है, हम बचपन में जब से हम ज्यामिति पढ़ना शुरू किए हैं, जब से हम ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किए हैं, सब कुछ या 90-180 के 60-70 का कोई औकात नहीं है क्या, फिर क्यों आखिर 90 में ही क्यों पूछा जाता है। तो सिंपल सा बात है, ये आप अपने भी प्रश्न में दिमाग में रखिएगा, कभी बता देंगे, अभी तो नहीं बताएंगे, आपको भी इस उत्तर खुद भी सोचना चाहिए। लेकिन आप सोचिएगा 90 में ही क्यों किया जाता है, किसी और कोण से। भाई मैं कहता कि अगर थीटा ग्रेटर देन 60 है ना, थीटा बराबर 60 होता तब उससे राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता तो क्या दिक्कत है, राइट एंगल बोला जाता तो क्या दिक्कत है, समकोण बोला जाता, क्यों 90 पे ही माना गया। तो ये चीज़ आप सोचिएगा ऐसा क्यों है, थोड़ा आप दिमाग अपना लगाइएगा, हालांकि ज़्यादा फोकस एग्जाम पे ही रहिएगा। चलिए अभी मैं और करूं कि ये जो पूरा है, मैं इसे अभी भी मानूं ना, मैं यहाँ घुमाया अभी मैं एकदम सीधा इसके ला दूं, इसके एकदम सीधा ला दूं, तो ये जो आपका कोण बनेगा, ये जो थीटा बनेगा, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से यहाँ तक तो 90 था, तो इसके जस्ट विपरीत भी यहाँ से यहाँ पे भी 90 बनेगा। इसे आप सीसा मान लो तो सीसा के जस्ट अपोजिट दोनों चीज़ें सिमिलर हो जाएंगी। तो 90 ये भी हो गया, 90 ये भी हो गया, यानी थीटा बराबर 90 प्लस 90, यानी कि अगर 180 हो जाएगा तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 90 के बराबर हुआ तो राइट एंगल, सीधा हो गया तो स्ट्रेट एंगल बोल दिया गया। अभी भी अगर आपका दिमाग नहीं मान रहा है और आप घुमाने पे उतने ही उतावले हो, तो अगर ये घूम के इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मतलब थीटा ग्रेटर देन 180 भी हो गया, तो इसे क्या बोल देंगे, इसे रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे। क्या, रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे, है ना। बायो में भी आप रिफ्लेक्स सुनते हो, नहीं सुनते हो, बस वैसा ही कुछ रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स यानी कि परावर्ती, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही, तो ये रिफ्लेक्स एंगल 180 से भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि सर मैं इधर से क्यों देखूं, अगर इधर से देखूं इस चीज़ को, उधर से ना देख के मैं इधर से देखूं, तब तो ये मेरा 180 से कम है, तब फिर आपका रिफ्लेक्स एंगल कैसे रह जाएगा। तो मैं इसके लिए जवाब दूंगा कि भैया जब आप जिस तरफ चल रहे हो, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, कौन सा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन आपका मायने रखता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन नहीं। तो कोण में जब आप दूरी तय करते हो तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलना जरूरी होता है, घड़ी की दिशा में चलना जरूरी। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, तो हमें घड़ी के विपरीत दिशा में चलना होता है, और वो आपका जो डिस्टेंस मेजर करता है किसमें, डिग्री में, वो आपका क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जो एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। बात समझ में आ गया, इतनी बात अगर आपको एंगल के बारे में समझ में आ गई, तो समझ लो बहुत कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। और अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसी एंगल की और प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। इस एंगल की और प्रॉपर्टी में क्या है, अब यहाँ पे देखो, जैसे कुछ इतनी एंगल तो पता हो गया, अच्छा ये इतना भी समझ लो कि ये घूम के अगर इतना घूम के अगर फिर से इतने पे ही आ जाए तो ये पूरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, 360 डिग्री कवर कर लेगा। तो अगर कोई चीज़ पूरा घूम के वहीं पे आ जाती है तो वो 360 डिग्री घूम के आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु के इर्द गिर्द पूरा जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और उसका आधा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आ गई, अभी अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ चीजें आपको और समझना है कि कुछ टर्म होते हैं जैसे सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल, ये दोनों क्या चीजें, इस चीज को भी समझ लेते हैं। अब यहां से कॉम्प्लीमेंट एंगल, ये दोनों चीज होते हैं, समपूरक कोण और पूरक कोण। सप्लीमेंट को क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा, क्या होता है ये दोनों चीज़ें। अभी मैं जब स्ट्रेट लाइन खींचा था, स्ट्रेट एंगल बनाया था, तो सपोज करो कि यहाँ पे एक बिंदु है, और अभी एक यहाँ से मैं रेखा खींच दूँ,
तो यहाँ पे अगर मैं थीटा वन मान लूँ और ये हो जाएगा थीटा टू, तो आप बोलोगे कि थीटा वन और थीटा टू बराबर क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर हो जाएगा 180। तो ऐसा कोण जो दोनों मिलके 180 देते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब थीटा वन थीटा टू का पूरक है, थीटा टू थीटा वन का पूरक है। कहने का मतलब अगर थीटा टू में मैं थीटा वन जोड़ दूँ तो भी 180 मिल जाएगा, और ऐसे थीटा वन में थीटा टू जोड़ दूँ तो भी मुझे 180 मिल जाएगा। मैं कहूँगा कि दोनों चीज़ें क्या हैं, ये पूरक कोण है। अगर ऐसे ही मैं इसे 180 ना देख के, इसे 180 ना देख के इसे 90 देखूँ, मेरे पास कुछ ऐसा है और यहाँ पर एक लाइन है, और ये अगर थीटा वन है, ये अगर आपका थीटा टू है, और थीटा वन प्लस थीटा टू आपका क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू आपका अगर 90 डिग्री हो जाएगा, तो बोलेंगे कि थीटा वन जो है वो थीटा टू का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या समपूरक कोण है, या बोल सकते हैं थीटा टू जो है थीटा वन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है या समपूरक कोण है। तो पूरक कोण समपूरक कोण में 180 डिग्री और 90 डिग्री का अंतर होता है। कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, इजी अगर क्वेश्चन पूछना होता है, और बच्चे क्योंकि पूरक और संपूरक में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बड़ी बात ये नहीं है कि आपको ये आता है, बड़ी बात ये है कि आप कंफ्यूज आते हो कि सप्लीमेंट वाला 180 था कि कॉम्प्लीमेंट वाला 180 था, पूरक वाला 180 था कि यहाँ पे संपूरक। और खासकर अंग्रेजी माध्यम वाले सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरक संपूरक तो थोड़ा बहुत हिंदी वाले सेंस लगा लेते हैं। अच्छा, सम मतलब कि 90, क्योंकि हर जगह जहाँ भी सम आता है बराबर वाला वहाँ पे 90 डिग्री ही लेके चलते हैं, तो पूरक मतलब 180 होगा, तो वो तो थोड़ा लॉजिक लगा ले जाते हैं, रीजनिंग बिठा ले जाते हैं। अंग्रेजी वालों का सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में ये पूरक संपूरक का बैठ पाता नहीं है, और उस चक्कर में क्या होता है, गलत कर देते हैं। तो इस चीज को हमें अच्छे से समझना चाहिए। एक और टर्म आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये क्या है, इस चीज को समझते हैं, है ना। रैखिक जोड़े जिसे हिंदी में बोलते हैं। अभी जैसे यहां पे कोई भी यहां पे एंगल है, ठीक है, यहां पे कोई एंगल है। अभी मैं यहां पे एक बीच में रेखा खींच दूं, ठीक, तो ये हो जाएगा थीटा वन, ये हो जाएगा थीटा टू। अभी ये थीटा वन थीटा टू आपस में क्या कहलाएंगे, ये आपस में लीनियर पेयर कहलाएंगे। बात समझ में आ गई, क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे जब हम लाइन पढ़ रहे थे तो वहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आई थी। लाइन भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे अगर दो लाइन आपस में ऐसे चलती चली जा रही है और इनके बीच की दूरी हमेशा क्या है बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल ऐसे लिख देते हैं, या अंग्रेजी में ऐसे लिख देंगे, या समानांतर, है ना, समानांतर ऐसे लिख सकते हैं, समानांतर रेखाएं। मतलब कि ये आपस में क्या है, उनके बीचों की जो दूरी है समान अंतर है। समानांतर मतलब दो रेखा के बीच की दूरी अगर हर जगह पे समान है तो वो क्या कहलाएंगे, समानांतर रेखा कहलाएंगी, या अंग्रेजी में उसे क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक तीसरी लाइन उसे आती है और कुछ तिरछे तरीके से कट कर देती है, तो यहाँ पे हम उसे क्या बोलेंगे, इस लाइन को, अगर मैं इस लाइन को L मान लूँ तो ये L क्या होगी, ट्रांसवर्सल कहलाएगी। किसकी, इन दोनों की ट्रांसवर्सल कहलाएगी, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, या तिर्यक रेखा कहलाएगी। बात समझ में आ रही। अब जब तिर्यक रेखा आती, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, तो भविष्य में ये कहीं भी जाके, आगे जाके कहीं भी जाके कटेंगी नहीं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, कटेंगे नहीं, तो ना ही कोई कोण मिलेगा, ना ही कोई अलग ज्योमेट्रिक फिगर मिलेगा। ध्यान रखना, जितने भी ज्योमेट्रिक फिगर हमें मिलते हैं वो लाइनों के आपस में इंटरसेक्शन से ही मिलते हैं। जैसे तीन लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर गई तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, त्रिभुज मिल गया। चार लाइनें ऐसे आपको इंटरसेक्ट कर गए तो ये आपको चतुर्भुज मिल गया। ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये एक चतुर्भुज मिल गया। ऐसे ही आपका कई तरीके से काट दे तो यहाँ पे पांच लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ये क्या मिल जाएगा, ये आपका पेंटागॉन मिल जाएगा। ऐसे ही तो अल्टीमेटली जितने भी ज्योमेट्रिक फिगर हैं आपके, वो लाइनों के, रेखाओं के आपस में इंटरसेक्शन से ही मिलते हैं। तो अगर दो रेखाएं भविष्य में कहीं भी आगे चल के इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, आपस में कहीं किसी को काटेंगी ही नहीं, तो फिर हमें कोई ज्योमेट्रिक फिगर मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब कहानी वहीं पर समाप्त हो गई, अब ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं। लेकिन अगर
कोई ट्रांसवर्सल लाइन मिलती है तो वहीं पे हमारी चिंताएं शुरू हो जाती है और फिर हम गणित को कोसते हैं कि काश ये ट्रांसवर्सल लाइन ना आई होती तो हमें ज़्यादा कुछ ना पढ़ना होता, काश सब कुछ पहले ही होता। लेकिन विधि का विधान है, सब कुछ सिमेट्रिकल नहीं हो सकता है, वरना दुनिया अपनी जगह पर रुक जाएगी, पृथ्वी अपनी जगह पर रुक जाएगी और सब कुछ शांत पड़ जाएगा, सारी हलचल बंद हो जाएगी और अंततः दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया चलने के लिए भी ट्रांसवर्सल का टेढ़े लोगों का भी होना जरूरी है, अंतरिक्ष चीज़ों की भी जरूरी है। तो इसे आप समझो, ट्रांसवर्सल आया तो लाइन को कट किया, लाइन को कट किया तो वहाँ से क्या बना, एंगल बना। और ये आपको जो बाहर बाहर के एंगल दिख रहे हैं इन्हीं को क्या बोल दिया गया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू इन्हें बोल दिया जाए। तो ये जो बाहर बाहर आपको दिख रहे हैं इन्हें क्या बोला गया, बाह्य कोण बोला गया या एक्सटीरियर एंगल बोला गया, क्या बोला गया, एक्सटीरियर एंगल बोला गया। और सिमिलरली ऐसे ही अगर ये देखा जाए, ये 1, 2, 3, 4 ले लिया जाए तो 1, 2, 3, 4 क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा या आंतरिक कोण कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा या आंतरिक कोण कहलाएगा। मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को सामंजस्य बना के चलिएगा कि आपका, हालांकि मैं सारे क्लास में कोशिश करता हूँ कि बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊँ, इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं, हिंदी वाले बच्चे भी हैं, तो कोशिश ये रहती है कि सबको बराबर समझ में आना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार होता है कुछ शब्द का इंग्लिश का हिंदी नहीं बोल पाता हूँ या हिंदी का इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, तो आपको थोड़ा सामंजस्य बना के इस चीज़ों में चलना है। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण हो गया, इंटीरियर एंगल मतलब कि आंतरिक कोण हो गया। और ये आपका कब मिलेगा, जब आपका कोई ट्रांसवर्सल लाइन जहाँ पे होगी। अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी निकल के आती हैं, उस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं और बहुत अच्छे समझते हैं कि अगर लाइन L1 और लाइन L2, क्या अगर लाइन, इफ लाइन L1 और L2 आपस में क्या है, पैरेलल है। L1 L2 पैरेलल के निशान दो खंभे से ऐसे दे देते हैं। अगर ये पैरेलल है और कोई तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल जो है, कोई तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल L3 उसे जाके कट कर रही है, तो यहाँ पे कुछ फिगर मिलेगा। क्या फिगर मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं फिगर। ये जो एंगल होगा ये एंगल आपस में बराबर होगा, अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि इसके केवल इन दो, यहाँ यहाँ पे देखें, इन दोनों में सिमेट्री बैठ रही है, इन दोनों में सिमेट्री बैठ रही है, तो इस पॉइंट से जितना रेखा ये इधर आ रही है मिरर रख दें तो उतनी रेखा उधर जा रही है, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट से अगर मिरर रख दें तो जितनी टिल्ट इधर है उसी का मिरर इंडियन टिल्ट इधर है, तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। इस चीज़ को आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही ठीक ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो x कॉमा वाई यहाँ पे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे जो समझ जाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आप x को देखो और y को देखो तो ये रेखा तो आपकी सीधी है ना, ये रेखा आपकी सीधी है, और x और y को मिला लिया जाए, x प्लस y को मिला लिया जाए तो आपका क्या देगा, 180 देगा। ये बात समझ में आ रही है, तो x प्लस वाई तो 180 देगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आगे समझ में आएगा। जो x है उसी के बराबर यहाँ ये वाला कोण भी होगा, यानी अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि L1 और L2 आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर दो पैरेलल रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा और ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, आप अच्छे से समझ के चलिएगा। तो ये वर्टिकली अल्टरनेट एंगल कहलाती हैं, बात समझ में आ गई, अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी कहला जाती हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन्हें क्या कहेंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट है लेकिन ये अल्टरनेट है, देखो ये एक इधर है तो एक इधर है, इसलिए उसे अल्टरनेट वैकल्पिक बोल दिया गया, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। तो ये एक्स है तो ये एक्स है, आप समझिएगा, अगर ये एक्स है ये एक्स है, ये भी पूरा 180 है तो ये भी पूरा 180 होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट वहाँ पे x प्लस वाई 180 बन रहा था, तो यहाँ पे भी 180 है तो ये वाला पार्ट निश्चित रूप से y होगा कि नहीं होगा, और जाहिर सी बात है ये y आपस में बराबर भी होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट कर रही है तो ऊपर वाला जो एंगल है और नीचे वाला एंगल है वो भी हमेशा क्या होगा, 180 ही देगा। तो इस फिगर में x
और y यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों कोणों को भी जोड़ लिया जाएगा तो 180 मिलेगा। सिमिलरली इनको और इनको जोड़ लिया जाएगा तो भी 180 मिलेगा। सिमिलरली इनको और इनको जोड़ लिया जाएगा तो भी 180 मिलेगा। क्यों? क्योंकि समझना, जितना ये होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। देखो यहाँ पे भी वाई है तो यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, और यहाँ पे वाई हो गया तो ये भी तो स्ट्रेट है और वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी एक्स मिल गया, यानी ये 180 देंगे तो ये भी 180 देंगे। तो कहने का मतलब जहाँ जहाँ आपको एक्स प्लस वाई मिलेगा इस पूरे फिगर में वो आपको क्या दे देगा, वो आपको 180 दे देगा। तो इस बात को आप समझिए। तो इसी में आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर हो गया, इसी में आपका क्या हो गया अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी क्लियर हो जाना चाहिए, अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इतने आपके एंगल की प्रॉपर्टी, और कई बार आपका ऐसे डायग्राम देखे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप अगर छोटी छोटी प्रॉपर्टी नहीं जानते हो तो आपका गलत हो जाता है, तो यहाँ पर जानना जरूरी है, ये हमारे एंगल के प्रॉपर्टीज थे। अब हम थोड़ा ज्योमेट्रिक फिगर में अपने घुसेंगे और अच्छे से चीज़ों को पढ़ना यहाँ पर शुरू करेंगे। मैं बता दूँ आपका ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल में क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल में हम सबसे पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ट्रायंगल की डेफिनेशन पढ़ने के बाद ट्रायंगल के एंगल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो कोण होते हैं और किस प्रकार के कोण हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसी के आधार पे टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, है ना, त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम टाइप ऑफ ट्रायंगल के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, जैसे आप क्या पढ़ोगे, सेंट्रॉइड पढ़ोगे, आप सर्कम सेंटर पढ़ोगे, आप इन सेंटर, अंताक्रेंद, परिक्रेंद, ये सब आप पढ़े होगे, है ना, केंद्र। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज के जो केंद्र होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मीडियन के इंटरसेक्शन से मिलेगा, कि अल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे, और उसी में हम मीडियन, फिर वहाँ पे अल्टीट्यूड, फिर वहीं पे एंगल बायसेक्टर, उन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आपका ट्रायंगल में इतना पोर्शन कवर करेगा जिसमें मैं आपको बता दूँ ट्रायंगल की डेफिनेशन, ट्रायंगल के एंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में आज मैं आपको पढ़ा दूंगा। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसी से रिलेटेड फिर हम किस में चले जाएंगे, सर्कल से पढ़ने लगेंगे। और सर्कल जब पढ़ेंगे तो हम सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल की प्रॉपर्टी, सर्कल के जो टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं सर्कल्स की उनके बारे में पढ़ेंगे, और सर्कल्स के जो लाइंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल के सेंटर और सर्कल के लाइंस, जैसे टेंजेंट होता है ना, जैसे आपका सिगमेंट होता है, उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, और फिर हम क्वाड्रिलेटरल में चलेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बाद हम लोग 2D में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा एक एक क्लास, एक एक घंटे का ये वाला क्लास में आपको कोशिश करूंगा कि आपका जाए, और जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको भी मजा आएगा, क्योंकि एक साथ जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी ढाई घंटा तीन घंटे की अर्थमेटिक में क्लास दे दिए, आपका कम क्लासों में निपटा दिया। लेकिन अगर आपको एडवांस वाला पार्ट मैं दो घंटे तीन घंटे में समझा दूंगा तो एक बात समझना कि ना आपको समझ में आएगा और पूरा पढ़ाया हुआ बेकार हो जाएगा। तो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक घंटे की क्लास दे के, सवा घंटे की, डेढ़ घंटे की क्लास देके, जितना कम से कम हो सकता है, जितने में मेरा पॉइंट आपका कवर हो जाए उतने में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप भी थोड़ा रिलैक्स करो, एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है, एग्जाम की डेट आती है तो मैं तो जिंदा ही हूँ ना, 5-5 घंटे पढ़ा दूंगा, आपको परेशान नहीं है, सब कुछ कवर करवा दूंगा। तो आप ऐसे समझते हुए चलिएगा। तो ठीक है, आओ फिर ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज ऐसे लिखते हैं त्रिभुज, है ना, हिंदी मेरी थोड़ा तंग है तो उसके लिए परेशान मत होना। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, अभी है क्या ये त्रिभुज, मैंने क्या बोला था अभी कि रेखाओं के इंटरसेक्शन से हमारी ज्योमेट्रिक फिगर मिलती है। मेरे पास तीन लाइन है L1 और L2 और L3, और तीनों लाइन कोलिनियर नहीं है, तीनों लाइन आपस में एक दूसरे को अलग अलग प्लेन में काट रहे, प्लेन एक ही है, अलग अलग दिशा में काट रही हैं, और उनके कट करने से तीन इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, एक A मिला, एक B मिला, एक C मिला। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कट कर दिए ना, इन्हीं से मुझे त्रिभुज मिल गया, इन्हीं से त्रिभुज मिल गया, ये देखो ये त्रिभुज मिल गया कि नहीं मिल गया। ये तीन लाइनों से जो कट के बना हुआ फिगर है वो हमारा क्या बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा। आप ऐसे समझो, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन शायद ना पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो भी जान लो, मेरे पास तीन लाइन है और मैं जान रहा हूँ कि जब भी दो लाइन मिलती है तो एक पॉइंट बनता है। तो ऐसे तीन लाइन है और तीन लाइन, दो तीन में से दो को मुझे चुनना है, तो कितना इस पे त्रिभुज बन जाएगा, 3C2, यानी कि यहाँ पे तीन इंटरसेक्शन, तीन बिंदु मिलेगा यहाँ पे, आप समझिएगा, यहाँ पे तीन
वहाँ पे गुणे दो, यहाँ पे एक बटे दो गुणे एक और यहाँ पे एक, यानी कि दो दो पूरा कट जाएगा तो कितना मिलेगा तीन। यानी कि अगर आपके पास तीन लाइनें हैं और उनका इंटरसेक्शन बिंदु ढूंढोगे तो आपको कितने बिंदु मिलेंगे, तीन बिंदु मिलेंगे। और किसी फिगर में अगर आपके पास तीन बिंदु हैं यानी कि वर्टिसेस की बात कर रहा हूँ तो तीन वर्टिसेस होंगे तो क्या कहलाएंगे, आपका त्रिभुज कहलाएगा, ट्रायंगल कहलाएगा। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसके पास तीन वर्टिसेस हों, यानी कि तीन शिखर हों आपके पास, है ना, और उसकी तीन भुजाएं भी हों, तीन साइड्स भी हों, वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। तो परिभाषा ही कहला रही है त्रिभुज, यानी कि तीन भुज, तीन हों भुजाएं जिसकी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो वो क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये बच्चों वाली बात थी, इसे हटाते हैं। त्रिभुज की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया तो हमारा मेन जो फोकस है वो है टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार क्या है। तो टाइप ऑफ, अगर ट्रायंगल को मैं डिवाइड करूं तो ऐसे तो नहीं डिवाइड कर सकता, इसे मैं, मुझे दो अलग अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। एक मुझे भुजा के आधार पे, यानी कि साइड के आधार पे, और दूसरा क्या, एंगल के आधार पे, यानी कि कोण के आधार पे। बोलो मैं दोनों अलग अलग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नाम भले त्रिभुज बोल रहा है ना, लेकिन हिंदी में आप, हिंदी और अंग्रेजी का तो भी फर्क है, हिंदी लेके चलोगे तो अंग्रेजी बुरा मान जाएगी, अंग्रेजी लेके चलोगे तो हिंदी बुरा मान जाएगी। जब हम हिंदी में पढ़े तो बोला त्रिभुज, यानी कि तीन हो भुजाएं जिसकी, तो हमारे दिमाग में फिगर बना ऐसे त्रिभुज। जब अंग्रेजी में पढ़े तो बोले ट्राइंगल, मतलब तीन हो कोण जिसमें, तो फिर हमें एंगल के हिसाब से भी हमें एंगल के हिसाब से भी इससे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और हमें भुजा के हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसे समझो ये तो पूरा पश्चिम वाला हिसाब हो गया, ये हम पूरबिया लोग और वो पश्चिम वाले लोग, बात समझ में आ गई। तो पूरब और पश्चिम का हिसाब किताब यहाँ पे है ट्रायंगल में, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। भुजाओं के आधार पर अगर आप ट्रायंगल को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहला मिलेगा आपको, यहाँ पे करता हूँ, स्केलेन ट्रायंगल, जिसे बोलेंगे विषम बाहु, हिंदी में क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा क्या मिलेगा, दूसरा हमारा मिलेगा आइसोसीलस, है ना, द्विसमबाहु त्रिभुज, है ना, और फिर तीसरा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। हिंदी में लिखना जरूर है क्या, चलो आप समझ जाइएगा इसे। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, ये आपको तीन त्रिभुज मिलेंगे। स्केलेन ट्रायंगल मतलब एक आपकी ऐसी त्रिभुज जिसमें ये तीनों भुजाएं अलग अलग हों, मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर ना हो। यहीं पे आपका आइसोसेलेस द्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, आपकी दो भुजाएं बराबर होंगी लेकिन तीसरी भुजा दोनों के बराबर नहीं होगी। और ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका क्या होगा, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। कहने का मतलब अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे अगर ये है तो ये ए भी ए रहेगा, ये क्या हो जाएगा, बी, और यहाँ पे तीनों की साइड क्या हो जाएगी, ए ही रह जाएगी। बात समझ में आई। तो ये तीन आपके जो भुजाओं के आधार पे तीन जो इसका डिवीजन है, पहला आपका स्केलन, दूसरा आपका आइसोसेलेस और तीसरा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हम कोण के आधार पे इसका विभाजन करें, तो हमारा पहला क्या आएगा, पहला जो आएगा है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल को मैं इससे बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पूरा लिखने की अपेक्षा आपका समय बचाने के लिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, या इसे हम हिंदी में लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, बात समझ में आ रही। दूसरा आपका क्या आएगा, दूसरा आपका आएगा ऑप्टियूस एंगल ट्रायंगल, या पहले राइट एंगल ट्रायंगल आपको बता दूं, दूसरा होगा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा होगा आपका ऑप्टियूस एंगल ट्रायंगल। अब आप इसे समझिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, और ऑप्टियस एंगल ट्रायंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर ये तीन हुआ, तीनों है क्या, इस चीज को अच्छे समझ लेते हैं, ये तीनों है क्या, इस चीज को अच्छे समझते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा छोटा होगा नहीं, मैं सब छोटे पे ही कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं, एक्यूट एंगल ट्रेंगल को देखें तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल में क्या होगा कि जो तीनों एंगल होंगे, त्रिभुज है तो वहां पे तो भुजाओं की बात किया, यहाँ पे एंगल की बात करेगा, यहाँ पे एंगल की बात करेगा। सपोज करो ये ए बी और सी त्रिभुज है, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। इस चीज को समझते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहता है कि जो आपके तीनों एंगल होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 90 से छोटे होने चाहिए। यानी एंगल ए बी और सी तीनों, बीच में कॉमा लगाया ध्यान दीजिएगा, एंगल ए बी सी किससे छोटे होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एंगल ए बराबर 30 ले लूँ, बी बराबर 30 ले लूँ या चलो 40 ले लूँ और सी बराबर 50 ले लूँ, तो मेरा ये जो त्रिभुज होगा है ना, ये मेरा जो त्रिभुज होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रेंगल कहलाएगा, है ना, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज ही नहीं रहेगा भाई। भले ठीक है ये 90 से डिग्री है, लेकिन एक चीज हमें और समझना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के सारे आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही कॉमन सी है, कोई जरूरी नहीं कि मैं आपको इसे बताऊं तभी आप इस चीज को फॉलो करो, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि कोई भी त्रिभुज है और इसका अगर कोण एंगल ए और बी और सी है तो इन तीनों का जो योग होगा वो 180 होगा हमेशा। और अगर मैं इसके एक्सटर्नल एंगल की बात करूं, मतलब इसे अभी बढ़ा दूं तो ये, इसे अगर बढ़ा दूं तो ये, और इसे अगर बढ़ा दूं तो ये, मतलब कि अगर मैं एक्सटर्नल एंगल को डिनोट कर दूं किससे, ये x हो जाए, ये y हो जाए और ये z हो जाए, तो x प्लस वाई प्लस जेड अबाउंड बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और केवल त्रिभुज नहीं, आप ज्योमेट्री में कितने भी फिगर आपके सामने आएंगे, सभी का जो बाह्य कोण होता है ना, सभी का बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। वो चाहे पेंटागन हो, वो चाहे हेक्सागन हो, वो चाहे आपका ऑक्टागन हो, वो चाहे आपका स्क्वायर हो, कोई भी आपका जो फिगर होगा उसका जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा, 360 ही होगा। आंतरिक कोण लेकिन बढ़ते चले जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ध्यान रखिएगा। आंतरिक कोणों का वो ऐसा नहीं है कि 180 होगा तो बस उसका आधा कर दो उससे आपका काम बन जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे उसका आधा नहीं होगा, वो हम अलग अलग फिगर पढ़ेंगे तो उस चीज़ को मैं अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। एक प्रॉपर्टी आप यहीं पे और समझ लो कि अगर ये x है और ये सामने वाला, इसे मैं स्मॉल b मान लूँ, इसे c मान लूँ, इसे मान लूँ, तो x बराबर क्या होगा, एक बाह्य कोण जो होता है वो सामने वाले दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा। ऐसे y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस c हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा। और ऐसे ही आपका जो जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेड बराबर a प्लस बी हो जाएगा। तो आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर जो एंगल होता है ना, वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है। इस बात को आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि न्यून कोण में, न्यून कोण जो त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज के सारे जो एंगल हैं वो 90 से कम होने चाहिए, लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सब मिलके कितना दें, 180 दें, तो यहाँ पे 50 और 70, यहाँ पे तो 120 ही हो रहा है। यानी कि अगर ऐसा होता कि एक 60 होता, एक 80 होता है ना अभी, और एक 40 होता, तो यहाँ पे काम बन सकता था, ये आपका त्रिभुज हो जाता न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि तीनों कोण जो हैं वो आपके 90 से कम है, तो 8 चार 12 6 18 यानी कि 180, तीनों का योग भी 180 है और तीनों 90 से कम है, यानी कि ये जो त्रिभुज बनाएगा वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसका जो कुछ फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। एक देखो आपका ये बड़ा सा दिख रहा है, तो ये आपका 80 डिग्री हो गया, ये आपका बड़ा सा, ये 60 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। ऐसा कोण आपका कुछ ऐसा त्रिभुज बनेगा, ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रेंगल में यही क्या होगा कि आपका जो एक कोण है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री दे दिया, और जब ये 90 हो गया तो अभी ये वाले जो अपोजिट साइड या एंगल्स हैं, अगर इसे x मान लो, ये y मान लो, क्योंकि जानते हो कि पूरा त्रिभुज 180 है, यानी कि अब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 होगा तभी तो 90-90 मिलके 180 देंगे। इस बात को समझते हुए चलना है। तो अगर ऐसा समझो कि किसी भी त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 के बराबर है, या किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 90 के बराबर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, समबाहु कह रहे हैं, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। ऐसे ही ऑब्टेव एंगल ट्रेंगल में कि आपका कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, है ना, कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, मतलब ऐसे समझ लो कि थीटा ही, और इसे लें क्या, ले थीटा लें,
कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 हो जाए, कोई भी। अब ऐसा नहीं कि तीनों 90 से ज़्यादा हो जाए, तीनों 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर आप तीनों 90 से ज़्यादा कर दोगे, समझना, एक 90 मान लो, एक आपका 100 मान लो, एक आप 100 मान लो, एक 110 मान लो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तीनों का योग आपका तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन तीनों का योग 180 ही चाहिए। तो अगर आप एक को 90 से ज़्यादा कर दिए, अगर आप एक को 90 से ज़्यादा कर दिए, ये देखो मैंने एक कोण को 90 से ज़्यादा कर दिया, तो ये जो दो कोण बचेंगे ये अल्टीमेटली ये 90 से कम हो जाएगा। मतलब अगर इसे थीटा वन बोलूँ, थीटा वन ग्रेटर देन 90 है, तो थीटा टू और थीटा थ्री, इसे टू बोले और थीटा थ्री बोले, तो अल्टीमेटली अपने आप थीटा टू प्लस थीटा थ्री जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 से कम हो जाता है, या किसी भी कोण, कोई भी कोण 90 से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो त्रिभुज जो हमारे डिवाइडेड हैं वो आपके यही हैं, एक आपके भुजा के आधार पे, एक एंगल के आधार पे, भुजा के आधार पे स्केल एंड आइसोसेलस इक्विलेटरल, और आपका कोण के आधार पे एक्यूट राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। हिंदी में वाले विषम बाहु, द्विबाहु और समबाहु त्रिभुज, और यहाँ पे न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण, तीनों आपके और ये तीनों सेम चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हैं। इसकी प्रॉपर्टी यही है, इसी से मिलेगी, इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी से मिलेगी, लेकिन अलग अलग हुआ। अब ऐसे समझो, कभी भी क्या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या कभी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी आपके बराबर हो जाए। ये भी ट्रायंगल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि जो भुजा बराबर होगी उसके सामने वाला कोण भी उसके बराबर ही होगा। ये अभी हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में अच्छे से आपको समझाएंगे। अभी आपको इतना ही समझो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो तीनों कोण आपका क्या हो जाएगा भाई, आप जानते हो कि थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका तो 180 हो ही रहेगा, ही जाएगा, ज़्यादा हो नहीं सकता है, यानी कि 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमेशा क्या रहेगा, 60 रहेगा। कहने का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा जो कोण रहेगा वो तीनों 60 60 60 रहेगा। इसका मतलब ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के कैटेगरी में जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, इससे कंफ्यूज मत होना, कभी भी ये ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। अगर आप किसी आइसोसेलस ट्रायंगल को लो जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, अगर दो भुजाएं बराबर होंगे तो इनसे जो जुड़ा करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, इनसे जो जुड़ा कोण है वो भी बराबर होगा। मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इस बात को भी आप समझिएगा। इसका मतलब ये कि क्या ये कभी राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये 90 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 45 45 हो जाएगा। इसका मतलब, और कभी भी त्रिभुज की प्रॉपर्टी आप देखना ना, तो एंगल को देखना, भुजाओं में बहुत कुछ नहीं रखा रहता, एंगल वाला जो सिस्टम चलता है ना वो आपके दिमाग में जल्दी बैठेगा और सटीक जानकारी देगा। जैसे अगर ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मानना हो तो मुझे 90 दे दूंगा, तो बाकी जो दो आपस में होंगे वो कितने हो जाएंगे, ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। तो देखो, दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर है तो सामने वाली दो भुजा भी बराबर हो गई, और दो भुजा बराबर हो गई तो यहां पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। क्या कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल क्या कहता है, यहाँ यही पे प्रॉपर्टी सारी समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्केलेन ट्रायंगल क्या कहता है, स्केलेन ट्रायंगल में तीनों भुजाएं डिफरेंट होती हैं, तीनों भुजाएं डिफरेंट होंगी तो तीनों क्या होंगे, तीनों कोण भी डिफरेंट होंगे, और तीनों कोण अगर डिफरेंट होंगे तो ये कभी भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है कि अगर आप मान लो ये 90 हो जाए और ये 30 हो जाए, ये 60 हो जाए, तो आप देखो तीनों कोण अलग अलग हैं और उसमें एक 90 भी है, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल स्केलन भी हो सकता है। तो ध्यान देना, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल वाले के देखो, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, ऐसे आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या कभी समकोण त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, जब आप इस चीज़ को सोचे रहोगे तब आप वहाँ पे उत्तर दे पाओगे। ये व्यर्थ की चीज़ें नहीं है, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो ऐसा लगता है ना कि ये छोटी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन छोटी चीज़ नहीं है ये, कभी कभी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, अरे यार मैंने तो इस नज़रिए से देखा ही नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, अभी एग्जाम में आ जाता तो मेरे तो हाथ पर फूल जाते। तो वो वाली सिचुएशन आपके अंदर नहीं आने देनी है, आप हर पर्सपेक्टिव से, हर नज़रिए से आपको समझते हुए इस चीज़ को चलना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, क्या बन सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलस भी हो सकता है, आइसो से। आप सोचिए,
टाइप ऑफ एंगल में कितनी अच्छी चीज आपको मिल रही है, आइसोसेलेस ट्रेंगल भी हो सकता है और राइट एंगल ट्रेंगल आपका क्या हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है और स्केलन भी हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। लेकिन राइट एंगल ट्रेंगल कभी भी इक्विलेटरल ट्रेंगल नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी राइट एंगल ट्रेंगल समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका एक कोण 90 रहता ही रहता है और फिर पता लगे तीनों 90 नहीं हो सकते हैं और तीनों 60 होगा तो फिर राइट एंगल ट्रेंगल नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? आपने ये देखा, आपने देखा कि जो एक्यूट एंगल ट्रेंगल है, आपने देखा एक्यूट एंगल ट्रेंगल है वो आपका स्केलन हो सकता है, स्केलन हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। एक्यूट एंगल ट्रेंगल आपका इक्विलेटरल भी हो सकता है, लेकिन एक्यूट एंगल ट्रेंगल कभी आपका, एक्यूट एंगल ट्रेंगल आपका कभी आइसोसेलेस हो सकता है क्या? बताओ, कभी हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आप ऐसा एक फिगर लो जहाँ पे दो एंगल बराबर हों। मैं दो एंगल किसको दे दी, ये 45 दे दी, ये भी 45 दे दी, तो ये 90 हो गया। अभी भाई ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी कि नहीं? मुझे बराबर हो गई। अगर दो कोण बराबर हो गए तो दो भुजा भी बराबर हो जाएगी, बहुत आराम से बराबर हो गई। और अगर दो भुजा बराबर हो गई तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा आइसोसेलेस हो जाएगा, यानी एक्यूट एंगल ट्रेंगल आपके तीनों त्रिभुज बन सकते हैं। ठीक, अभी हम समझे। अभी हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल को ले रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल को ले रहे हैं। कभी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल में एक कोण आपका 90 से ज्यादा होना चाहिए। अभी समझिएगा, एक कोण आपका ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। मैं किसी किसी को भी अगर 90 दे दूंगा तो बाकी दोनों तो अपने आप 90 से कम हो जाएंगे। इसलिए कभी भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल नहीं हो सकता है, इस बात को आप समझिएगा। लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल क्या आपका स्केलन हो सकता है? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, क्या स्केलन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल तो हो सकता है। स्केलन में तीनों आपकी भुजाएं और तीनों आपके कोण अलग होते हैं, तो तीनों डिफरेंट डिफरेंट कोण के बन सकते हैं, तो स्केलन बन सकता है। क्या आपका कभी आइसोसेलेस बन सकता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल? बिल्कुल हो सकता है। एक कोई आप 120 मान लो और बाकी दोनों कितना मान लो, 30-30 मान लो, तो भी आपका हो जाएगा। यानी आप इस चार्ट से समझ सकते हो कि जो दोनों आपका टाइप है उससे कंपेयर कर सकते हो कि कभी भी राइट एंगल ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल नहीं बन सकता, कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बन सकता। समझना इस बात को, या यहाँ पे ऐसे लिखें ताकि आपकी सिमेट्री बैठी रहे। कभी भी ठीक है, ठीक है, कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल नहीं हो सकता। तो ये चीजें आप अच्छे से समझते हुए चलो, ताकि चीजें आपकी क्लियर होती चली जाए। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना? अच्छा, ये राइट में क्यों बता दिया? ये तो बात वही हो गई ना, दोनों एंगल वाले पे ही बता दिया। मुझे इक्विलेटरल बताना था। ऑब्ट्यूस कभी इक्विलेटरल हो सकता है क्या? कभी इक्विलेटरल नहीं हो सकता है, ये था, है ना? तो ना तो कभी राइट एंगल ट्रेंगल इक्विलेटरल हो सकता है, ना कभी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल राइट एंगल हो सकता है, केवल इक्विलेटरल हो सकता है, केवल और केवल एक्यूट एंगल ट्रेंगल इक्विलेटरल हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऐसे बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, है ना? तो ऐसे आपको दे देगा, क्या दे देगा कि एक्यूट एंगल ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल बन सकता है, राइट एंगल ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल बन सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल बन सकता है, और ऐसे कोई और स्टेटमेंट दे दिया उसमें सत्य असत्य पूछ सकता है। और आप इस चीज़ को अगर परखे नहीं रहोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा एग्जाम में। तो सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका भी हमें थोड़ा सा बदलना होगा। इतनी बात समझ में आ गई ट्रेंगल की, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल अगर समझ में आ गया हो तो अब हम चलते हैं कि ट्रेंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? ट्रेंगल की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो है, कहने को देखा जाए या तो ट्रेंगल की 70 से 75 बहुत प्रॉपर्टियां होती हैं। प्रॉपर्टी इतनी प्रॉपर्टी होती है कि मुझे तो इसे 100 से पार भी करा दूँ। लेकिन कायदे से हम मुश्किल से 15 से 20 प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे, काम की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है हम वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं प्रॉपर्टी, ट्रेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए? उसके बाद कॉन्ग्रेंसी भी पढ़ना है आज ही की क्लास में, और सिमिलरिटी भी आज ही की क्लास में पढ़ना है। तो इतना पढ़ के ही हम खत्म करेंगे, आराम से इस चीज़ को लेके हुए चलना है। तो पहली प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं, पहली प्रॉपर्टी मान के चलते हैं। अब मैं एक एक नंबर के हिसाब से करता चला जाऊँगा, है ना?
और आपको बताता चला जाऊंगा। सपोज करो कि आपके पास एक त्रिभुज है प्रॉपर्टी, और आप ऐसे स्क्रीनशॉट या नोट भी करते चले जाना, यही ज़्यादा जरूरी है। बाकी तो थ्योरी थी, आप उसे सुन लो काम चल जाएगा, लेकिन इसे जानना आपको जरूरी है। ये मान लो कि कोई आपका त्रिभुज है ए बी सी, और मैं ए के सामने उसकी भुजा की लेंथ ए मान रहा हूँ, बी के सामने उसकी भुजा की लेंथ बी मान रहा हूँ, और सी के सामने उसकी भुजा की लेंथ सी मान रहा हूँ। कहने का मतलब ये जो आपकी लेंथ है ये बी है, ये जो लेंथ है वो ए है, और ये लेंथ है जो आपकी वो सी है। बात समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं इसे हटा दूँ ताकि थोड़ा फिगर अच्छा सा दिखे। ठीक है, ये ए बी सी आपका हो गया। अब यहाँ पे कुछ हमें प्रॉपर्टी निकल के आती है, उस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। क्या है कि कभी भी आप इनमें से कोई भी तीन भुजाएं आपको दिख रही हैं, ए बी सी दिख रही हैं, तीन में से कोई भी दो भुजा ले लो, कोई भी दो भुजा ले लो, मैं क्या ले लूँ, सी और बी ले लूँ, और अगर सी और बी को माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ, सी और बी को माइनस कर दूँ, उनका डिफरेंस ले लूँ, बी में से सी घटा दूँ या सी में से बी घटा दूँ, कोई मतलब नहीं है। मॉड वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, अंतर की बात कर रहा हूँ, है ना, मॉड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इनके बीच के अंतर की बात कर रहा हूँ। तो अगर इनके बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा ही क्या होगा, उस तीसरे तीसरे साइड से, तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। और ठीक ऐसे किन्हीं भी दो भुजाओं को ले लूँ, बी और सी को ले लूँ, तो उनका जो योग होगा, उनका जो, यहाँ पे मोड़ ही लगा दे रहा हूँ, उनका जो योग होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। ऐसे आप कोई भी ले लो, बी और ए का अंतर सी से ज़्यादा होगा, कम होगा, और बी और ए का योग सी से ज़्यादा होगा। आप तीनों चीज़ आपस में लिख सकते हो, ये पहला हो गया। आप मैं इसे लिख दूँ कि ए माइनस सी बी आप ले लो, तो ये हमेशा बी से छोटा होगा, और बी हमेशा किससे, ए प्लस सी से छोटा होगा। ऐसे ही अगर मैं ए और बी को ले लूँ, तो ए माइनस बी जो होगा वो हमेशा किससे, सी से छोटा होगा, और हमेशा जो सी होगा वो ए प्लस बी से छोटा होगा। तो ये पहले आपकी प्रॉपर्टी है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट कर सकते हो। इसे लेते हुए हम चलेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपका मान के चलो कि कोई त्रिभुज है ए बी और सी, अगर इसके सामने की भुजा ए है, इसके सामने की भुजा बी है, इसके सामने की भुजा सी है, और अगर ये दोनों आपकी भुजाएं बराबर हो गई, कहने का मतलब अगर बी बराबर सी हो गया तो यहाँ पे जो कोण है तो एंगल बी बराबर भी एंगल सी हो गया। जैसे अभी मैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में बता रहा था, द्विभाजक त्रिभुज में आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी, अभी जो मैं पहले बता भी चुका हूँ, किसी भी ट्रायंगल का जो आंतरिक कोण है ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा क्या होगा, 180 होगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस चीज़ को भी समझते हुए चलिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे जो आसान प्रॉपर्टियाँ हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी एक बाह्य कोण आप ले लो, इसे बाह्य कोण कैसे मिलेगा, यही वाली लाइन आगे बढ़ा लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, है ना, कोई भी बाह्य कोण ले लो तो ये अंदर वाले बाकी जो दो बचे कोण हैं उसके बराबर होते हैं। तो एंगल ए एक्सटीरियर ए ई लिख दे रहा हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। ई मतलब एक्सटीरियर, इस बात को आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो कुछ जो जरूरी है वो हम देख लेते हैं। एक क्या है, एक है आपका साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या कहता है, इस चीज़ को देखते हैं, है ना, साइन रूल या साइन फॉर्मूला, रूल बोले ज़्यादा ठीक है, साइन रूल क्या कहता है, ट्रायंगल का साइन रूल क्या कहता है। अगर कोई आपका त्रिभुज है, कोई आपका त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, इसके सामने की भुजा ए है, इसके सामने की भुजा बी है, इसके सामने की भुजा सी है, तो हमेशा क्या, ध्यान देना इस बात को, हमेशा ही ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी होगा। ये हमेशा ही बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा ये भी समझ जाइए, ये 2R के बराबर होगा। इस बात को आप अच्छे समझ जाइए, ये साइन रूल है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ से आया, आप इसे प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे एक एच खींचो, हाइट खींचो, और इसे मान लो कि ये क्या है, एच ए है। अब आप क्या लोगे, अगर इस एंगल को देखो तो साइन बी अगर लो, साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आप कैसे प्रूफ करना। साइन बी बराबर लो तो ये परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी एच ए अपॉन सी हो जाएगा। और ठीक ऐसे अगर साइन सी लो, साइन सी लो तो ये क्या हो जाएगा, एच ए अपॉन बी हो जाएगा। अभी साइन ए अपॉन साइन सी कर दो, इस चीज़ को अगर डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन बी
अपॉन साइन सी जो हो जाएगा वो एच ए कट जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा बी अपॉन सी आ जाएगा, यानी इसे आप लिख सकते हो बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। देखो दो चीज़ मिल गए ना, और ऐसे ही आपका जब दूसरे वाले से लोगे तो ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये बराबर किसके होता है, टू आर होता है। आर क्या होता है, आर यहाँ पे सरकम रेडियस होता है, आप बस इतना समझो, आगे चल के मैं इस चीज़ को बताऊँगा। सरकम रेडियस कहाँ से आता है, सरकम रेडियस होता है या त्रिज्या कहलाती है, यानी कि किसी भी त्रिभुज के अगर उसके वर्टिसेस को मिलाते हुए एक सर्कल बना दिया जाए तो जो बीचों बीच का कोण होगा वो सर्कम रेडियस होगा। किससे मिल कट के आते हैं ये बाद में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज होगे इस चीज में, तो आप ऐसे समझो कि वो सर्कम रेडियस होगा और वहां से अगर खींचेंगे तो ये आर कहलाएगा, है ना, ये आर कहलाएगा। तो इसी के वो बराबर होता है क्या, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, टू आर होता है, इसके बराबर होता है। इससे याद रखे ना, इससे आगे चल के भी इसका सर्कम रेडियस का बहुत अच्छा यूज होगा, तो आपको एक फॉर्मूला और निकल के आएगा, शायद आप जानते भी हो, नहीं जानते तो बताऊंगा मैं। छह है आपका, क्या है, कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल आप समझिए, कोसाइन रूल क्या होता है अच्छे से, कोसाइन रूल क्या कहलाता है, कहता है कोसाइन रूल कि अगर आपकी कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज है, ए के सामने भुजा ए है, बी के सामने भुजा बी है, सी के सामने भुजा सी है, तो आप कोई भी एंगल चूज कर लो, यहाँ पे बी चूज कर लो, तो आप ऐसे कॉस बी अगर आपको निकालना होगा तो कॉस बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दो जो संलग्न भुजाएं हैं ए और सी उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी जो बची वाली भुजा है उसे बी माइनस कर दो, माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में ध्यान रखना टू लगाओ, और जो दोनों भुजा संलग्न भुजा है उसी का मल्टीप्लाई कर लो, ये होता है। सिमिलरली आपको ऐसे अगर कॉस सी लिखना है, कॉस सी लिखना है, तो इससे जुड़ी हुई भुजाएं क्या है, ए है बी है, तो ये आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो, और माइनस का जो बची हुई भुजा है उसे कर लो, अपॉन टू कर लो, और जो करस्पॉन्डिंग भुजा है उसी को ए इंटू बी कर लो। सिमिलरली ऐसे आपका कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो वहां पे, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए है, ए है, तो बी और सी आपकी संलग्न भुजाएं हैं, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कोसाइन रूल कहलाता है। यहीं से आप समझिएगा, यहीं से भी आप एक्यूट एंगल वाला और वाले प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, चलिए यहीं पर समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप सपोज करो कि अगर ये एंगल बी, एंगल बी को लेके चले, एंगल बी अगर मान लो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है मतलब कि जो बी है वो लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। अगर बी लेस देन 90 डिग्री होगा तो आप अगर कॉस का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ देखो तो जीरो से लेके 90 डिग्री तक आपका ग्राफ कैसे आता है, यही तो चलता है कॉस का ग्राफ, तो ये जीरो है यहाँ पे और यहाँ पे 90 है ना, एक से लेके जीरो तक जाता है, तो अगर 90 है से कम है, मतलब जीरो से 90 के बीच में कॉस की जो वैल्यू होगी वो जीरो से 90 लाई करेगी, यानी कि किससे, आप समझिएगा कि ये जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। कॉस बी की वैल्यू अगर एक्यूट एंगल है, अगर बी एक्यूट एंगल है तो कॉस बी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, यहाँ से देखो जीरो से ऊपर है, यानी कि कॉस बी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और कॉस बी ग्रेटर देन जीरो है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये जो पूरा है वो ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2ac हो जाएगा, ऐसे समझो। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्रेटर देन 2ac हो जाएगा, जीरो मत लेना, इक्वल मत लेना, वरना ये तो जीरो हो जाएगा। ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से थोड़ी कोई वैल्यू होगी तो वो ग्रेटर देन 2ac हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे समझो, अभी इसे 2ac आप इधर भी लेके चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसे ही ग्रेटर देन जीरो कर दो, है ना, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, आप इस बात को समझिएगा। यानी एक्यूट एंगल ट्रेंगल में, एक्यूट एंगल ट्रेंगल में जब आपकी भुजाएं छोटी होती हैं, आपके एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग वाली साइड होगी वो दो साइड के स्क्वायर से क्या होगी, छोटी होगी उनके योग से। अगर ऐसे ही मैं मान लूँ, इधर दूसरा केस ले लूँ कि मान लूँ कि बी जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल या राइट एंगल ट्रेंगल है, बी इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्टली मान लो बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस बी की 90 पे क्या होती है, जीरो होती है, एग्जैक्ट जीरो हो जाएगी। अगर एग्जैक्ट जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस, हाँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
टू ए सी जो होगा वो एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू एग्जैक्ट जीरो हो जाएगी, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और यही यही तो आपका क्या कहलाता है, यही तो आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है राइट एंगल ट्रायंगल की, कि किसी भी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ऐसे ही अगर बी ग्रेटर देन 90 डिग्री है और जैसे ही 90 डिग्री से ज़्यादा जाएगा कॉस की वैल्यू देखो निगेटिव हो जाएगी, यहाँ पर जीरो होता है या इधर माइनस चलता है और उधर प्लस चलता है, तो ये माइनस हो जाएगी, यानी कि आप इसे बोलोगे यहीं से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही है हाँ, अपॉन टू ए सी लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो जाएगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी मिल गई। तो इन शॉर्ट आप समझो कि अगर एक्यूट है, एक्यूट है मतलब अगर थीटा थीटा अगर एक्यूट है तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऐसे तो सॉरी ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये वाला छोटा रहेगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एग्जैक्टली सी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो ये ज़्यादा है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ज़्यादा हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको आराम से इसे रखते हुए चलनी है। चलो तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, कोसाइन से इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो कुछ प्रॉपर्टी हम और देख लेते हैं। और प्रॉपर्टी क्या है, साइन रूल आपको समझ में आ गया, कोसाइन रूल आपको समझ में आ गया, एक्सटीरियर एंगल भी आपको समझ में आ गया है, बचा क्या है, हाँ देख लेते हैं कुछ बचा है, ये प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये मान लो कि ए बी और सी कोई आपका एक ट्रायंगल है, इसके सामने ए है, इसके सामने बी है, इसके सामने सी है ना, भुजाएं की बात कर रहा हूँ, बीच में कोई एक बिंदु है और बिंदु ऐसी है कि सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, ऐसा ऐसा कोई है, कोई भी आर्बिट्रेरी ओ पॉइंट है, तो अगर इसे एक्स मान लो, अगर इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, इसे वाई मत मानो, इसे इसे एक्स मान लो, इसे एक्स मान लो, ये वाला पार्ट है ना, ए सी वाला पार्ट, ये सी है समझ लेना, ए बी ए सी, हाँ ठीक है, चलो इसे इसे मैं पॉइंट दे देता हूँ ई एफ और जी, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, मतलब ये ओ एफ है, ये ओ ई है, ये ओ जी है, ठीक। तो ए और एफ के बीच की दूरी एक्स है, इसकी बीच की दूरी वाई है, और इसकी बीच की दूरी जेड है, ऐसे इसके बीच की बी और एफ के बीच की दूरी एल है, और ऐसे ही कहाँ सी जी और सी की बीच की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो एम है, और यहाँ की दूरी जो है मान लो एन है, मैं दूसरे पेन से करूँ तो ज़्यादा अच्छे सबको समझ में आएगा। ये मान लो L है, ये मान लो M है, ये मान लो N है, तो ऐसे केस में हमेशा जो x square होगा है ना, क्या x square plus y square plus जो z square होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा L square plus m square plus n square के बराबर होगा, L square plus m square plus n square के बराबर होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से समझते हुए चलिए, और ये नोट भी कर लीजिए, अगर आपका कोई ऐसा ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें कोई ए पॉइंट है जो विपरीत दिशाओं में विपरीत भुजाओं पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ये वाला ध्यान देना, ये वाला पार्ट प्लस एक छोड़ के, ये वाला पार्ट एक छोड़ के, ये वाला पार्ट एक छोड़ के, ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट एक छोड़ के, ये वाला पार्ट एक छोड़ के, ये वाला पार्ट, दोनों का जो वर्ग होगा उनका जो योग होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी का एक और फॉर्मूला क्या, एक्सटेंडेड फॉर्मूला है कि ये अच्छा दिख रहा है, इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्मूला क्या है उस चीज को देख लेते हैं, कि आपका कोई त्रिभुज है, कोई आपका ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में कोई लाइन ऐसे गई है, कोई लाइन ऐसे गई है, और कोई लाइन ऐसे गई है, और ये एक पॉइंट ऐसा है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी समझ लें 90 डिग्री नहीं, ये 90 डिग्री नहीं है यहाँ पे, बस ये आपस में ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे पता नहीं है, ना ही 90 डिग्री है। तो इस केस में अगर आपका सपोज करो कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर एल इंटू एम इंटू एन हो जाएगा। उसके लिए होना क्या जरूरी है,
कि ये पूरी पूरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट होना जरूरी है, इस बात को आप समझ लें, है ना। इसे सेपा फॉर्मूला बोलते हैं, सेवा फॉर्मूला, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ के चलिएगा। सेला रूल भी बोलते हैं, सेवा रूल। चलिए इतना अगर आपको पता चल गया तो मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको और बता देता हूँ। मान के चलिए कि कुछ ऐसा आपका फिगर बना हुआ है, ध्यान दीजिए, देखते जाइए देखते जाइए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक आपका कुछ ऐसा बना हुआ है और यहाँ से उठा हुआ एक त्रिभुज, थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ, यहाँ बना हुआ है और यहाँ पे एक लाइन है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, समझ लेना, है ना। तो यहाँ पे जो होगा वन अपॉन एक्स बराबर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई बराबर वन अपॉन जेड होगा हमेशा, अगर आपका कुछ होता है। ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ऐसा कुछ आपका सीन बन रहा है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री आपका होना जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, मतलब अगर ये ए, ये बी और ये सी है और यहाँ पे मान लो कि डी, बी डी और ई है, ऐसे समझो। तो ये जो आपका ई और एफ है, ए बी पैरेलल, ई एफ पैरेलल, डी ई होना अनिवार्य है और ये 90 डिग्री होना अनिवार्य है। अगर ऐसा होता है तो आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन जेड हो जाएगा, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। कुछ और भी प्रॉपर्टी है, एक दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। एक है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम ये क्या कहता है, कहता है कि मान लो कि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है और उसके बीच में एक और पॉइंट है, एक और पैरेलल लाइन है, लाइन है, ये मान लो ए बी सी कोई त्रिभुज है और ये मान लो ई और एफ है। कंडीशन क्या है कि ई एफ जो है वो पैरेलल टू क्या है, बी सी है, ई एफ जो है पैरेलल टू बी सी है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि ए ई जो भुजा है, भुजा ए ई जो है वो इस पूरे भुजा के ए बी के और सिमिलरली ऐसे उधर ए एफ जो भुजा है इसका, और अगर ए सी का अनुपात ले लें तो ये अनुपात हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और ऐसे ही यही किसके बराबर हो जाएंगे, ई एफ अपॉन बी सी के भी बराबर हो जाएंगे। ये क्या होता है, थेल्स थ्योरम होता है। और इसी का एक एक्सटेंडेड थ्योरम समझिएगा, इसे मैं सिमिलरिटी से और अच्छे से बताऊंगा। अभी थेल्स थ्योरम केवल इतना सा, केवल थेल्स थ्योरम है, सिमिलरिटीज प्रॉपर्टी को और एक्सटेंड कर देगा जो मैं आगे चल के बताऊंगा। इसका जो एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी, वो समझो कि आपका कोई ऐसा त्रिभुज है और ऐसी कोई लाइन है, कोई भी लाइन इधर उधर कैसे भी खींच सकते हो, मतलब उसका पैरेलल ना हो, वहाँ पे लाइन होना पैरेलल जरूरी था, यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ई एफ और बी सी आपस में पैरेलल नहीं है। तो अगर हम दोनों की एरिया का अगर वो ले, रेशियो ले, मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई एफ और ट्रेंगल ए बी सी ले, तो ये किसके बराबर होगा, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये मान लो एल है, ये एम है, तो ये किसके बराबर होगा, x इंटू एल अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एल प्लस एम के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी भी आप नोट कर लो, 10वां पॉइंट देके इसे जितनी भी प्रॉपर्टी हो गई हूँ। तो आज के लिए मैं इतनी ही प्रॉपर्टी आपका रख रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसे स्क्रीनशॉट अच्छे से लेते चले जाइएगा जहाँ जहाँ भी होगा। ये आप थेल्स थ्योरम है, ये आपकी 9वीं वाली प्रॉपर्टी है, और अच्छा 9वीं वही आ गई थी, तो ये 10वीं वाली प्रॉपर्टी है, और नीचे वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, ये 11वीं प्रॉपर्टी है। और ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बताया हूँ, जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन मैं वही प्रॉपर्टी बताया हूँ जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट वो बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोसाइन रूल था और ये आपका साइन रूल था, ठीक है ना। ये आपका एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और बेसिक सी प्रॉपर्टी। तो इतना जो है मैंने आपको अभी जो थ्योरी की बेसिक, हो सकता है थोड़ा सा टाइम का कम पड़ रहा है ना, वरना मैं आज को कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी भी पढ़ाने वाला था, लेकिन ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्लास में कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी एक साथ करके और ट्रेंगल के जो सेंटर्स होते हैं ना, आपके जो सेंट्रॉयड होते हैं, आपके जो ऑर्थो सेंटर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से हम वहाँ पर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ट्रेंगल वाला पार्ट खत्म कर देंगे। फिर हम सर्कल का एक क्लास में खत्म करके ज्योमेट्री खत्म, सर्कल का एक में और एक में आपको क्वाड्रिलेटरल का, मतलब कि तीन क्लासेस आपकी ज्योमेट्री में और चलेंगी, और ऐसे एक एक घंटे की। एक साथ ही होता तो मैं कोशिश करता 2.5 से 3 घंटे में ज्योमेट्री आपका खत्म कर देता, लेकिन 2.5 से 3 घंटे में अगर मैं करूँगा तो आपके भी पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि एक एक घंटे में आपको ये चीज़ें निपटा दूँ। तो चलिए, आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही बहुत अच्छे से करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। समझिए कि आपका पहला चांस है, अंतिम चांस है,
और अपना भले ही एग्जाम डेट डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो असली योद्धा होता है उसके लिए जो उसका गोल होता है, उसका लक्ष्य होता है, उसके दिमाग में हमेशा तैरता रहता है, उसके लिए वो कभी भूलता नहीं है। स्थितियां कैसी भी विपरीत हों, कितने भी आपके सामने कोई मुजरा कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपको भटकना नहीं है। अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छे से तैयारी कॉन्टिन्यू रखनी है। और वैसे भी टीम परीक्षा प्लस बहुत आपके लिए मेहनत कर रही है, डेली आपके 1 से 2 क्लासेस, कम से कम तो 1 से 2 क्लासेस डेली बेसिस पे पिछले 4 महीने में तो रोजाना कुछ ना कुछ दे ही रही है। तो आप इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए कि टीम अगर इतना मेहनत करती है तो आपको भी टीम के साथ मेहनत करते हुए चलना है। हमने 60 से ज़्यादा सेक्शनल आपको करवा दिए हैं, मैं आपको बता दूं 75 सेक्शनल का प्रॉमिस था। अभी जो सेक्शनल होगा वो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, कारण क्या है कि एग्जाम डेट भी क्लियर नहीं और बहुत ज़्यादा एज पर प्रॉमिस हम लोग अपने टारगेट के समय के अंदर हैं, लेकिन फिर भी अभी आपके सेक्शनल को रोका जाएगा वरना टीम पे अननेसेसरी बर्डन बढ़ता चला जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली से किसी ना किसी सब्जेक्ट का करवाता जाए, जितना प्रॉमिस है उससे भी ज़्यादा आपको दिया जाए। और आपकी अभी टेस्ट सीरीज जैसे ही कंटिन्यू रहेगी, नोट्स आपको जो मिल रहे हैं वो मिलते ही रहेंगे, जो मिल गए हैं नोट्स उन्हें आप जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।